पवार साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। अरे भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सच। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले भिवंडी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। जो आज भिवंडी के अंदर महाअघाड़ी सरकार ने एक फैसला किया है कि सब किसानों के हक में, सब किसानों के लिए, हक के लिए खड़े हो जाए। आज आशीष मिश्रा के पाप का रास्ता, जो किसानों के ऊपर उसने अपनी थार गाड़ी से उनको कुचल के बेरहमी से मार दिया, आज मैं मोदी सरकार का विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि ये अन्नदाताओं के ऊपर जो इन्होंने अपनी मनमानी, अपनी ताकत का रौब, अपने मिनिस्टर बाप का रौब जो जताया है, उसका मैं निषेध करता हूँ और मोदी सरकार का विरोध करता हूँ। मैं श्याम भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जो लखीमपुर में जो ये हादसा हुआ है, किसानों को जो गाड़ी के तले लोन दिया गया है, जिसको देखते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार ने कुछ दिन पहले ये आह्वान किया है कि आज 11 तारीख को पूरा महाराष्ट्र बंद किया जाएगा, क्योंकि वो किसान हमारे अन्नदाता है। अगर चावल, गेहूँ और जो भी अन्न है, उस चीज़ की अगर पैदावार हमारे भारत देश में बंद हो जाएगी तो हम लोग खाना और अन्य चीज़ कहाँ से खाएंगे। लेकिन उनके ही साथ जाती हो रही है, जो हमको अन्नदाता हम जिसको बोलते हैं, आज उनको गाड़ी के उसके जो है रोन दिया गया, उसके टायर के नीचे जो है उनके 8 लोगों की जाने गई है, जिसमें एक पत्रकार भाई भी था हमारा, उसको देखते हुए आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने ये आह्वान किया कि आज पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद रहेगा। इसको देखते हुए हमने सारे दुकान में जो हमारे शहर के लोग हैं उनको जो हमने गुलाब का फूल दे करके रिक्वेस्ट की है कि इस जो है आंदोलन में आप भी शरीक हो, ताकि जो दिल्ली में जो सरकार बैठी है मोदी सरकार, वहाँ तक की आवाज़ पहुँचे और इसके ऊपर जो है नज़र दिया जाए, ताकि जो है किसान भाइयों को न्याय मिल सके। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए 11 महीने से केंद्र सरकार को से मांग कर रहे हैं कि काला कानून हमें मंजूर नहीं, उसको रद्द करना चाहिए। लेकिन हिटलरशाही सरकार उस कानून को अभी तक किसानों को न्याय नहीं दिया। उनका एक जाहिर निषेध आज भिवंडी शहर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महिला आघाड़ी, युवती आघाड़ी और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सभी पक्षीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज भिवंडी शहर के अंदर रिक्शा यूनियन, व्यापारी संगठना, हाथगाड़ी संगठना, सभी कष्टकारी लोगों के माध्यम से आज भिवंडी बंद का आह्वान, लोगों के सहयोग से आज भिवंडी को हमने 100% बंद करने के आह्वान में हम सक्सेस हुए। इसलिए मैं मोदी सरकार का जाहिर निषेध करता हूं। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की मैं विनती करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद।